लेते हैं। ये मैंने तोड़ा एक सेब और ये मैंने भी तोड़ा। ओ भाई आपने तो दो तोड़ दिए। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये शिमला सीरीज़ की एक और वीडियो है, और अभी मैं आया हूँ युवसंत सिंह परमार बागवानी या रिसर्च सेंटर में, जहाँ आप देखने को मिल जाएंगे आपको तरह तरह के सेब और हर तरह के सेब मिलने के देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। ए ग्रेड से लेकर BEC, इनको डिवाइड किया गया अलग अलग ग्रेड में। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, जैसे यहाँ पे रेड येलो हर तरह के मतलब आपको सेब देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है जिसके ऊपर रिसर्च वगैरह होती है यहाँ पे। और मौसम भी काफ़ी मतलब सुहावना बना हुआ है, बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ठंड काफ़ी मतलब बढ़ चुकी है। और अभी बन रहे मेरे साथ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो मैंने अभी देखी, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको भी जो चीज दिखाने लेकर आया हूँ वो इधर देखो, ये है इंडियन, आप पढ़ लीजिए ये जो लिखा हुआ है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। यहाँ पे आपको मतलब वेदर के बारे में जानकारी वगैरह काफ़ी सही मिल जाएगी कि वेदर वगैरह कैसा रहेगा, हर तरह की मतलब जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ की हरियाली बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है, मतलब एक नेचुरल सी ये वाइब्स है। और मेरे पीछे आप जैसे धुंध वगैरह देख ही पा रहे होंगे आसपास, सेब की वैरायटी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप यहाँ पे आओगे तो। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको यहाँ पे टिकट के बारे में, और टिकट की जो कॉस्ट होगी वो होगी 50 रुपये पर पर्सन, और इसमें आप पूरा मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह का कुछ सीन है यहाँ पे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा और भी चीज़ और दिखाता हूँ आपको। गाइस ये वो रिसर्च सेंटर इधर, जैसे ये जो रिसर्च सेंटर है, और यहाँ से नीचे भी आप देख पाएंगे कि काफी अच्छी तरह से इसको डेकोरेट किया गया है फूल वगैरह। जैसे आप देख ही पा रहे काफी ज्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि मौसम काफी सही है इसलिए मतलब मैक्सिमम जो टूरिस्ट वगैरह वो छुट्टियाँ बिताने आए हुए यहाँ पे अपनी वीकेंड्स वगैरह। इस तरह का कुछ नज़ारा है। पूरी जगह धुंधी धुंध पड़ चुकी है, और यहाँ से नीचे मैं आपको दिखाता हूँ एक बगीचा टाइप ही है, बहुत अच्छी। मतलब पहले हम आते थे तो इतनी मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अब देखिए कि हर तरह के आपको यहाँ पे फूल है। कोशिश मैं आपको पूरी करूँगा कि ये सारे मैं आपको दिखा पाऊँ। ये कुछ इस तरह के फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे, और नीचे भी काफ़ी प्लांट्स वगैरह रखे हुए, यही वो प्लांट्स है। काफ़ी सही बनाया गया इसको यहाँ पे, और इससे नीचे भी मतलब सेब के काफ़ी ज़्यादा बगीचे हैं। और धुंध की वजह से तो काफ़ी अभी आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि धुंध काफ़ी ज़्यादा है और बारिश भी बहुत हो रही है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि नीचे ले जाऊँ, सेब वगैरह दिखाऊँ आप लोगों को। और बारिश की वजह से मेरा कैमरा भी पूरा गीला हो चुका है, और माइक पे भी, माइक भी बिल्कुल गीला हो चुका है ये।
ये कुछ इस तरीके का, ये देखो इसे कहते हैं गाइस फुल नेचुरल, कोई इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप बिल्कुल नेचुरल है, जैसा आप फील कर पा रहे हैं। इस जगह को फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। एक आपको एक वाइब्स जो होती है ना, शांति और सुकून, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। मैंने तो काफ़ी फील की यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी टाइम आता रहता था यहाँ पे, जब मैं यहाँ रहता था 3 साल पहले, तब यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। सच में कैमरा पूरा गीला हो चुका है यार, जैसा आप देख ही पा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है गाइस, यार सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक करो, कमेंट करो वीडियो को, और इससे इसी तरह अपना प्यार बसाओ, ताकि मैं फिर से आपके लिए एक नए नए कंटेंट वगैरह लाता रहूं। ये एक म्यूज़ियम जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाई थी, और यहाँ पे इन सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, आप पढ़ लेना। म्यूजियम सेमिनार हॉल, तो हम एंटर कर चुके हैं। ये कुछ हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है आप उसकी, यहाँ आप देख लीजिए। ये पूरा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे, मतलब मे बी मीटिंग्स वगैरह होती होगी रिसर्च को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। सेब के लिए जो मुख्य कीट है वो ये है, इन्फॉर्मेशन आप सारी पढ़ सकते हैं इसमें, वीडियो को पॉज करके। ये दवाइयाँ वगैरह है, ये फ्रेंड्स आपकी स्कोप है हॉर्टिकल्चर में, अगर आपको मैं समझ, ये सारे स्कोप वगैरह बताए हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी किया, जैसे मार्केटिंग सब कुछ, इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोडक्शंस, बी के, ये आपको पूरी लाइफ साइकिल सर्कल ऑफ एप्पल पूरा सर्कल बताया हुआ कि वहां से बड़ा स्टार्ट्स सीड प्लांट वैसे इसकी फूल वाइट होते हैं ना। ये कुछ छिन का कॉन्फ्रेंस हॉल म्यूजियम, आई होप जितने भी टूरिस्ट वगैरह आए इसको जरूर कवर करें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। और सेब के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ जो बोल सकते हैं, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको इसके बारे में। कुछ इस तरह का टूल था ये जो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस मैं म्यूज़ियम से निकल चुका हूँ और आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ सेब की वैरायटी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही यार, बारिश तो रुकने का नाम ही ले रही, पर फिर भी हम रुकेंगे नहीं, आपको पूरी वीडियो बता के रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे गाइड मनीष भाई। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल बिना लाइक किए मत जाइएगा, दुख बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं सेब दिखाने ले चलता हूँ आपको, आपको पता है एक बादल भी फटा है आज, फिर भी हम आपके लिए जा रहे हैं, थोड़ा फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल गिरते गिरते रह गई, बहुत बुरा हाल है। फिर भी गाइस बस सपोर्ट जरूरी है आप लोगों का।
तो चलो फिर नीचे की ओर चलते हैं, सेब दिखाते हैं आपको किस तरह से प्लांटिंग होती है, किस तरह के सेब लगते हैं, ये सब कुछ दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में आपको। जो बारिश की मैं बात करूं, बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो सेब की फसल है उसके लिए, क्योंकि इनको हमेशा नमी चाहिए होती है। बिना नमी के मतलब वो सेब काफ़ी मतलब सूखे सूखे या रूखे टाइप के होते हैं, इसलिए हमेशा इसके लिए मतलब इस तरह की नमी, बारिश होना बहुत कंपल्सरी है, वरना फिर सेब की जो फसल है वो काफ़ी मतलब उभर के सामने नहीं आएगी। एक और सेब मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नज़दीक से, ये देखो इस तरह के सेब लगे होते हैं। काफ़ी अच्छा बगीचा है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ एक शॉट एप्पल का, किस तरह से इसकी फार्मिंग होती है। एक पेड़ में देख ले, छोटा सा पेड़ है लेकिन कितने सारे सेब लगे, यही मैनेजमेंट है कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। अगर ये चीज़ आ गई आपको आ गई तो आप एक अच्छे सफल किसान बन सकते हो और आपकी जो फसल है उसको एक अच्छा दाम मिल सकता है। यही मैं आपको यहाँ दिखाने लाया हूँ, ये देखो फ्रेंड्स, ये वैरायटी 100 रुपए में एक बिकता है। देख लो इस तरह के सेब मार्केट में बहुत कम उतरते हैं, बिकते भी है तो ये ज़्यादातर दूसरे मतलब देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं बस। इसमें कलर क्या होता है? एक पेड़ में मतलब लगे होंगे मतलब 30-40 से तो ऊपर ही सेब लगे होंगे जैसा मैं देख रहा हूँ इधर, मतलब आप दी एक पेटी समझो, समझ लो कि बस हो गया काम। यही चीज है गाइस, आई होप, मुझे आई थिंक बहुत कम लोगों ने इसको कवर किया है और टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं यहाँ तक, तो बहुत कम पहुँच पाते हैं। फ्रेंड्स आपको ये एरिया नहीं मिलेगा अगर आपको फिर भी है, इसके लिए आपको एक स्पेशल बंदे की जरूरत होगी जो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से गाइड करे, आपको बताए। भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देख लो बारिश कितनी हो रही है, सब्सक्राइब करना तो बनता है, बिना लाइक के तो जाना ही मत। भाई एक पत्थर यहाँ से गया सिर के पास से। अभी बिल्कुल छूते हुए गया हम लोगों को, बस इसी तरह आप बस प्यार बरसाते रहो अपना, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना, धड़ाधड़ मारो यार लाइक, बस फैला दो इसको बस, क्योंकि आज तक कोई भी टूरिस्ट यहाँ तक पहुँचा नहीं है। ये देखो ये तारे देख रहे हैं आप, करंट है इसमें, करंट है एक नंबर का भाई, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं क्योंकि रिस्क लेने से डरना नहीं, रिस्क है तो इश्क है, ये बात तो है बिल्कुल, इश्क में रिस्क, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर टेस्ट किया जाए एक दूसरे को, चलो फ्रेंड्स आपको ये अच्छा नहीं लगेगा खाते, हम देखते हैं फ्रेंड्स मिलते हैं, चलो फिर हम एक दो सेब ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने तोड़ा एक सेब और ये मैंने भी तोड़ा, ओ भाई आपने तो दो तोड़ दिए, दो तोड़ दिए, चलो फिर आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट काफ़ी सही है इसका और मार्केट में बहुत कम पहुँच पाते हैं ये इस तरह के सेब। ये फ्रेंड्स इसकी कॉस्ट होगी 2100 रुपये का एक पेटी, काफ़ी महंगी बिकती है क्योंकि इनकी पहली बोली लग चुकी होती है। आज तक तो किसी ने ऐसा रिव्यू आपको दिया नहीं होगा जैसा मैं आज आपको देने वाला हूँ। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी तो प्यार आप दिखाते हो, पिछली वीडियो को जैसे आपने प्यार दिखाया इसको भी ऐसे दिखाना, बस तब वीडियो यहीं तक है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करके और फैलाना, ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचे और वो भी यहाँ घूमने आए और जो टूरिज़्म को फ़ायदा हो इससे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ,
फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, ध्यान रखे अपना और किसी तरह चिल मचाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके बाय, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।